नेक्स्ट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ की जो वैकेंसी आई है हरियाणा पीसीएस से, उसके बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी थी। जो मेन पॉइंट थी इस वैकेंसी से रिलेटेड, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रही हूँ। वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस वैकेंसी के बारे में, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो है, आप सबके लगातार कमेंट्स आ रहे थे, कुछ जो है आपके मन में डाउट्स हैं, जैसे कि दो मेन पॉइंट है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं मेरे से लगातार ही कि अदर स्टेट वाले इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको लेकर के आप सबके मन में बहुत ज़्यादा डाउट है। जैसे कि वहाँ पर दिया गया है BSc ऑनर्स, तो ये सब को लेकर के आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, जिस पर हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके इन दोनों सवालों का जो जवाब है, यहां इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के टॉपिक को। लेकिन उससे पहले कहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वाली वैकेंसी के लिए जो है कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वैकेंसी में टोटल सीटों की संख्या 700 है, 600 जो आपका है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में है और 100 जो है आपका सॉइल कंजर्वेशन के लिए है। तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है और आप सब ये जानने के लिए उत्सुक है जो अगल बगल स्टेट के हैं, खास करके यूपी, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब वाले सब लोग आप पूछ रहे हैं कि जो MP वाले हैं कि हम लोग भर सकते हैं या नहीं भर सकते फॉर्म इसका। तो आप सबको बता दें, जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर जनरल की सीटें हैं उस पर आप लोग फाइट कर सकते हैं, जो कुछ रिजर्व कैटेगरी की सीटों को छोड़ करके, जो कि उसी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, उसको छोड़ के आप बाकी जो हैं सीटों पे आप फाइट कर सकते हैं और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अदर स्टेट के जो एलिजिबिलिटी है उसको लेकर के जो आपके डाउट्स थे वो दूर हो गए होंगे। अब हम लोग इसके दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके जो मन में आपके डाउट है, जो आप लोग बार बार पूछते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों, यहाँ हम सब इसके नोटिफिकेशन पे आते हैं, तो आप सब देखेंगे कि जो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर दिया गया है, आप ये देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 में, डिग्री इन BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। और इसको लेकर के भर भर के आप सबके कमेंट्स हैं कि यहाँ पे ऑनर्स लिखा हुआ है, BSc एग्रीकल्चर नहीं लिखा हुआ है, तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आप सब जितने भी BSc एग्रीकल्चर वाले हैं, उन सब का ये डाउट मैं दूर कर दूं कि आपका जो BSc एग्रीकल्चर का कोर्स होता है, 4 ईयर्स आपका कोर्स है, जो कि आपकी ये डिग्री ऑनर्स डिग्री है, इसको ऑनर्स ही कहा जाएगा। तो इसीलिए आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आप लोग 4 ईयर जो कोर्स वाले, जो BSc एग्रीकल्चर वाले हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी डाउट्स के। तो इसीलिए आप लोग परेशान ना हो, आप लोग की जो डिग्री है वो ऑनर्स डिग्री है, आपका जो है एग्रीकल्चर में ऑनर्स है। आपने अगर 4 साल का BSc एग्रीकल्चर किया है तो आप यहाँ पे ऑनर्स वाले हैं एग्रीकल्चर में। तो इसको लेकर के जो भी आपके मन में डाउट्स थे, उम्मीद करते हैं कि ये सब दूर हो गया होगा। जो आप ये दो पॉइंट पे बार बार बात कर रहे थे कि आप जो है अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, और यहाँ BSc ऑनर्स की बात करी गई है, तो आप सब बेझिझक फॉर्म डालिए। जितने भी BSc एग्रीकल्चर वाले हैं वो सब आपकी डिग्री जो है ये ऑनर्स डिग्री में काउंट होगी। तो ये दोनों पॉइंट पे आपके डाउट्स दूर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट्स है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो उस पे मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। और आपका एक और सवाल है जो आप लोग लगातार पूछ रहे हैं सिलेबस के लिए, तो इस एग्जाम से रिलेटेड जो सिलेबस की बात है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि आपको बता दें, अभी जो है हरियाणा PCS ने कोई भी ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जो दूसरे एग्जाम्स हो चुके हैं उसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसके हिसाब से आप सब अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका जो है ये डाउट्स दूर हो गया होगा, और आपके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट्स करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।